हेलो फ्रेंड्स, आरती छावरे आजकल गा रही हैं खुशी से ये वाला गाना कि आज मैं ऊपर आसमान नीचे, मैं गई हूँ जीत और बाकी हैं सारे के सारे पीछे पीछे पीछे, क्योंकि वो सारे खतरों को जीत कर बन गई हैं खतरों के खिलाड़ी नंबर वन। खतरों के खिलाड़ी का खिताब वो जीत चुकी हैं। माना उनके लिए ये खतरे जीतना बहुत आसान नहीं रहा। बाइक 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 गॉड, अच्छे अच्छों की निकल जाती है जान, और खतरे थे भी बहुत गहरे। और आरती का कहना है कि वो खतरों से हार कभी नहीं मानती, क्योंकि वो कुड़ी है अनजानी और उसने हार कभी नहीं मानी। और माना कि खतरे थे बड़े गहरे, मगर सब खतरों को याद दिला दी उन्होंने उसकी नानी। इन शॉर्ट, अगर हम ये कहें कि हार के जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं और बिना काटे जो निकल जाए उसे अजगर कहते हैं। खैर, अक्षय के साथ ये उनका काफी अच्छा सफर रहा, क्योंकि खतरों के खिलाड़ी यानी कि अक्षय के साथ परफॉर्म करना उनके लिए बहुत दिलचस्प रहा। उनका कहना है कि अक्षय सबकी एक एक करके क्लास लगाते थे और आरती भी बड़ी जल्दी उतार देते थे सभी कंटेस्टेंट की, मगर उन्होंने काफी सपोर्ट भी किया है सभी कंटेस्टेंट को, इसलिए ये गेम इतना मजेदार लगता है, क्योंकि खतरों का खिलाड़ी सबको इतना इनकरेज करता है। और आरती का यह कहना है कि अक्षय ने उन्हें इनकरेज किया, जिसके चलते वो आज शायद जीत के इस खिताब को पा सकी हैं। एनीवेज, अब आरती अब जीत चुके हैं खतरों के खिलाड़ी का टाइटल, इसलिए अब बट ऑब्वियस काफी सारे शोज के ऑफर आएंगे। दिन रात उनके फोन की घंटी टन 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 बज रही है, जिससे वो काफी परेशान है, क्योंकि ऑफर्स धुरंधर उनके सामने बरस रहे हैं। अब वो किसे चुने किसे ना चुने, इसी उधेड़बुन में वो लगी है। लेकिन उनके सबसे पहले एक उनकी चॉइस है जो वो करना चाहती थी, फिल्में जरूर करना चाहती थी, वो उनका पैशन है और वो छोड़ नहीं सकती। होता है ना यार, एक बार एक्टिंग का कीड़ा जिसे लग जाए वो बिना काटे रहते ही कहाँ है। वो फिल्में करें या रियलिटी शो करें, कुछ भी करें, बस बढ़िया करें। मैं उन्हें ऑल द बेस्ट कहती हूँ एंड कांग्रेचुलेशंस फॉर द खतरों के खिलाड़ी। सो फ्रेंड्स, टिल देन टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड। यू आर वॉचिंग रूबी आंसर्स।